So let's see our next question. We have to show that the semi-vertical angle of a cone of maximum volume and given slant height is given by number 1, cos inverse 1 by root 3 and number 2, tan inverse root 2. यानी कि हमें प्रूव करना है कि किसी भी कोन के अंदर जिसका वॉल्यूम आपके पास मैक्सिमम हो और उस कोन की अगर हमारे पास स्लांट हाइट गिवन है देन उस कोन का हमारे पास जो सेमी वर्टिकल एंगल आएगा वो ये आएगा, ये हमें प्रूव करना है एंड वो ये आएगा, ये हमें प्रूव करना है. दोनों यहाँ पे सेपरेट क्वेश्चंस हैं बट मैंने यहाँ पे दोनों को साथ में लिखा है बिकॉज स्टेप्स आपके पास लगभग सेम ही होने वाले हैं. ओके तो ध्यान देखिए, आपको बता दूं मैं सेमी वर्टिकल एंगल कौन सा होता है. तो देखिए ध्यान से इस फिगर को आप एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे जो एंगल मैंने यहाँ पे अल्फा से डिनोट किया है ये एक्चुअल में आप लोगों के पास सेमी वर्टिकल एंगल है. ओके याद रखिएगा ये एंगल आप लोगों के पास 90 डिग्रीज का होता है. ओके नाउ ये जो एंगल ए है पूरा इसको आप बोलते हैं ये आपका वर्टिकल एंगल है. अगर आप इस एंगल का आधा कर देंगे या फिर इसको बाइसेक कर देंगे तो आप बोलेंगे कि जो आधा एंगल यहाँ बचा हुआ है अल्फा इसको आप लोग सेमी वर्टिकल एंगल भी बोल सकते हैं. ओके तो किसी भी कोन में सेमी वर्टिकल एंगल कौन सा होता है, जो आपके पास ये वाली साइड होती है ए इसके साथ जो आपका आधा एंगल बनता है वो बोलते हैं आप लोग कि वो आपके पास सेमी वर्टिकल एंगल होता है. ओके नाउ सबसे पहले हम काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग सारे के सारे जो वेरिएबल्स होते हैं कोन के जैसे उसकी हाइट, उसका रेडियस, उसका स्लांट हाइट और उसका सेमी वर्टिकल एंगल इन सबको हम लोग पहले इनिशियलाइज़ कर लेते हैं, है ना. देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें आएंगी यहाँ पे. सो लेट सपोज मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ बोला लेट कैपिटल आर कैपिटल एच, आप चाहे तो यहाँ पे स्मॉल से भी इसको डिनोट कर सकते हैं नो डाउट, एंड अल्फा बी दी क्या क्या चीज़ें मैंने यहाँ पे बी दी रेडियस कॉमा हाइट कॉमा स्लांट हाइट एंड सेमी वर्टिकल एंगल सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन रेस्पेक्टिवली. आपने यहाँ पे सारे के सारे वेरिएबल्स को जिस पे भी आपका कोन डिपेंड करता है उन सबको यहाँ पे आपने डिनोट कर लिया आर एच एल और अल्फा से. ओके नाउ ध्यान से देखिएगा आपके पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ें गिवन है, ये बहुत ही क्रूशियल है आपको आइडेंटिफाई करना. सो इस केस में आपके पास स्लांट हाइट उस कोन की गिवन थी, यानी कि आपके पास एल जो है वो रह जाएगा आप लोगों का यहाँ पे कांस्टेंट. ओके बाकी एच वेरिएबल है, आर भी वेरिएबल है यहाँ पे और अल्फा भी आपका वेरिएबल की तरह ही यहाँ पे ट्रीट होगा. ओके यानी कि जो आपका कोन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मेनली एल आपके पास कांस्टेंट दे रखा है, बाकी एच पे डिपेंड कर रहा है, आर पे डिपेंड कर रहा है और अल्फा पे डिपेंड कर रहा है. ओके नाउ यहाँ पे आपको मैक्सिमाइज़ करना है इसके वॉल्यूम को. मैंने आपसे कहा था कि जब कभी भी आप लोगों के पास मैक्सिमम इनमें क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ पे आपके पास हमेशा एक ना एक इक्वेशन दे रखी होगी जिसके अंदर एक ना एक चीज़ आपके पास कॉन्स्टेंट होगी जो सारे के सारे वेरिएबल्स के थ्रू बन रही होगी. ओके और आप उस कॉन्स्टेंट चीज़ का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, उस कॉन्स्टेंट चीज़ का इस्तेमाल करके आप लोग एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में लिख सकते हैं. ठीक है तो आपके पास ये L कांस्टेंट है तो मुझे बताइए L का इस्तेमाल मैं कहाँ कर सकता हूँ जहाँ पे आपके पास H और R है. तो यहाँ पे आपके पास और कोई चीज़ गिवन तो नहीं है बट ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे इन ट्राइंगल लेट सपोज AOB तो इस केस में आपके पास हो जाएगा, आपको पता है यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा आप लोगों का पाइथागोरस थ्योरम. सो ये हो जाएगा आपके पास L स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर एंड देन प्लस में आर स्क्वायर बिकॉज यहाँ पे आप लोगों के पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है. सो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ अगर एल कॉन्स्टेंट है तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से कि एच स्क्वायर इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. आप तो एक चीज़ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और लेट सपोज मैं ये भी बोल सकता हूँ कि आर स्क्वायर इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस में वॉट एच स्क्वायर. आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं सेकेंड. ओके सो ये हमारे पास दो चीज़ें हैं, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फ्यूचर में जब जहाँ कभी रिक्वायरमेंट हो हमारे पास, जहाँ भी मुझे एच को लिखना हो आर के टर्म्स में या फिर आर को लिखना हो एल के टर्म्स में. ओके ध्यान देखिएगा यहाँ पे हमें यहाँ पे मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम को तो हम यहाँ डिनोट कर लेते हैं लेट कैपिटल वी डिनोट्स दी वॉल्यूम ऑफ द कोन. ऑल राइट नाउ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास कोन के अंदर, सो आप सबको पता है वॉल्यूम का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है 1/3 एंड देन पाई आर स्क्वायर एच. नाउ आपके पास जो वॉल्यूम का फंक्शन है उसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, एक है आर एक है एच. तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, हमें यहाँ पे किसी ना किसी एक वेरिएबल को अदर की टर्म्स में लिखना पड़ेगा. ध्यान से देखिएगा आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप लोग एच स्क्वायर की वैल्यू को लिखिए यहाँ पे या फिर आप लोग यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू को भी लिख सकते हैं. बट ध्यान से देखिएगा अगर आप लोग आर स्क्वायर को डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दें तो ये आपके लिए यूज़ करना काफ़ी ईजी रहेगा. ओके
इन स्पाइट ऑफ, अगर आप लोग एच की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा एग्जिस्टेंस में, और उसको सॉल्व करने के लिए आपको मेरे ख्याल से यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करनी पड़ेगी या फिर अंडर रूट को लेकर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं काम करता हूँ, मैं इस आर वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करता हूँ बिकॉज ये मेरे लिए हैंडी है, जो मेरे लिए आसानी से इसको सिंप्लीफाई भी कर देगी। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/3 पाई, मैंने आर स्क्वायर की जगह लिख दिया एल स्क्वायर माइनस में एच स्क्वायर एंड इनटू में व्हाट, इनटू में ओनली एच लिख दिया मैंने यहाँ पर। ऑलराइट, नाउ मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसको ताकि मेरे लिए डिफरेंशिएट करना इसको आसान रहे, ताकि मैं प्रोडक्ट टूल ना लगा पाऊँ यहाँ पे। सो वी इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 1/3 पाई एज इट इज़, एंड दिस कैन बी रिटन एज एल स्क्वायर एच माइनस में एच क्यूब। नाउ ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे जो आपके पास ये वॉल्यूम का फंक्शन आया है फिलहाल, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक वेरिएबल है एच। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो हमारे पास एल भी है, बट याद रखिएगा एल आपके पास गिवन था, और मैंने क्या कहा था, गिवन चीज़ हमेशा आपके पास कांस्टेंट होती है। ओके, सो एल एक कांस्टेंट है, पाई एक कांस्टेंट है, 1/3 एक कांस्टेंट है, सिर्फ वेरिएबल आपके पास है यहाँ पे एच। तो आप फाइनली क्या फाइंड कर सकते हैं, नाउ डी वी ओवर डी एच को आप लोग फाइंड कर सकते हैं। तो वो हो जाएगा आपके पास 1/3 पाई एज इट इज़, एंड देन एल स्क्वायर एच का डिफरेंशन आपके पास होगा ओनली एल स्क्वायर बिकॉज एच का ही डिफरेंशन आपको करना था यहाँ पे, माइनस में ये हो जाएगा आपके पास 3h स्क्वायर। ऑलराइट, नाउ फॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आप लोगों को इसको पुट करना पड़ेगा इक्वल टू जीरो। चलिए हम इसको इक्वल टू जीरो पुट करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ आएगी। तो मैंने कहा यहाँ पे पुट डी वी ओवर डी एच इक्वल्स टू, मैंने जीरो पुट किया, देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ ऑप्टेन होकर आएगी। सो दिस इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा आपके पास 1/3 पाई एंड देन एल स्क्वायर माइनस में 3h स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। 1/3 पाई चला जाएगा उस साइड तो बन जाएगा जीरो। दिस इम्प्लाइज दैट एल स्क्वायर माइनस में 3h स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू जीरो, एंड वी कैन से व्हाट, वी कैन से एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 3h स्क्वायर। ओके, याद रखिएगा एल तो आपके पास कॉन्स्टेंट था, तो आप यहाँ से बोल सकते हैं वैसे कि एच स्क्वायर की जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपके पास एल स्क्वायर बाई वॉट 3। और फाइनली आप बोल सकते हैं कि h की जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो आ जाएगी आपके पास एल स्क्वायर का हो जाएगा रूट निकल जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा आपके पास l ओनली एंड यहाँ पे आ जाएगा आपके पास √3। ऑल दो आपके पास आंसर प्लस माइनस में आएंगे, बट क्योंकि हाइट आपके पास एक साइड है इसका मतलब वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ प्लस वाले डायमेंशन को फॉलो किया। आप चाहे लिख सकते हैं यहाँ पे कि सिंस h इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ऑल राइट, ध्यान से देखिएगा आपके पास h तो आ गया है, अब आपको देखना है कि ये जो h वाला पॉइंट आपके पास आया है वो मैक्सिमा का पॉइंट है या फिर मिनिमा का पॉइंट है। इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो चलिए हम इसको अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे पास आंसर आएगा यहाँ पे। नाउ ध्यान से प्लीज़ ऑब्जर्व कीजिएगा इस चीज़ को। सो हमने यहाँ क्या फाइंड किया, नाउ डी टू वी अपॉन में डी एच स्क्वायर हमने फाइंड करने की कोशिश करी, तो डी वी ओवर डी एच कहाँ पे आया था हमारे पास, वो आया था हमारे पास यहाँ पे। सो ये हो जाएगा अल्टीमेटली 1/3 पाई एज इट इज़, एल स्क्वायर का हो जाएगा जीरो बिकॉज यहाँ पे एच आपके पास है ही नहीं, माइनस में ये हो जाएगा आपके पास 6h। ऑल राइट, इस 3 को आप काट सकते हैं तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 2h। तो डी टू वी ओवर डी एच स्क्वायर जो अल्टीमेटली आपके पास आएगा उसको मैं बोल सकता हूँ कि वो आएगा माइनस में 2π एंड देन h। ओके, 2π एंड देन h, हमें तो फाइंड करना है इस पर्टिकुलर वैल्यू पे। सो हम निकालेंगे यहाँ पे डी टू वी ओवर डी एच स्क्वायर इक्वल्स टू वॉट एट द पॉइंट आपको निकालना है h इक्वल्स टू l बाई रूट 3 पे। तो चलिए हम निकालते हैं इसको, माइनस में 2π हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा l बाई रूट 3। आपको पता है कि सारी की सारी टर्म्स आपके पास पॉजिटिव बिकॉज साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती आप लोगों की, इस माइनस साइन की वजह से आपका पूरा आंसर बन जाएगा नेगेटिव। तो हम यहाँ बोल सकते हैं देयरफोर बाई सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, बाई सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हम बोल सकते हैं क्या, किसको हम लोग मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर रहे थे, वॉल्यूम को, वॉल्यूम वी इज मैक्सिमम एट एच इज इक्वल्स टू एल बाई रूट 3। बट मुझे बताइए क्या आपको यही चीज़ प्रूव करनी थी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पे जो आपके पास कंटेक्स्ट था वो था आपके पास सेमी वर्टिकल एंगल का, बट हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ हाइट निकाल ली, और आपको पता है कि इस हाइट का इस्तेमाल करके आप लोग अगर इसमें कहीं पुट कर देंगे फर्स्ट या सेकंड में तो आप लोगों के पास रेडियस भी आ जाएगा, बट हमें यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। हमें क्या प्रूफ करना था, हमें यहाँ प्रूफ करना था सेमी वर्टिकल एंगल को। अब ध्यान से देखिए सेमी वर्टिकल एंगल जो है वो इनडायरेक्टली डिपेंड हो रहा है किसके ऊपर, अब हम बोल सकते हैं इस एच के ऊपर, इस आर के ऊपर,
और इस एल के ऊपर भी। अब देखिए कैसे, आपको पता है कि ये जो ए ओ बी ट्राइंगल है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है और हम इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ओके, सो देखिएगा हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, मैं इस पेज को हल्का सा स्लाइड करता हूँ ताकि आप इसको देख सकें। चलिए मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। यहाँ पे आपको बस ऑब्जर्व करना है कि आपको पहले निकालना क्या है। तो आपको निकालना है यहाँ पे कॉस इनवर्स 1/3 प्रूफ करना है आप लोगों को इस सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा को। अच्छा एक चीज़ नोटिस कीजिएगा आप लोग, यहाँ पे ये जो ट्रायंगल आप लोगों का है वो कुछ ऐसे बना हुआ है। लेट सपोज़ मैंने इस ट्रायंगल को हल्का सा रोटेट कर दिया तो ये अल्फ़ा आप लोगों का यहाँ पे आ जाएगा। ये है आपके पास ए, एंड देन लेट सपोज़ ये है आपके पास वो 90 डिग्री का एंगल, इसको मैंने बोल दिया ओ है आपके पास ये, और लेट सपोज़ ये है आपके पास बी। ओके, मैंने इस ट्राइंगल को बस क्या किया, हल्का सा रोटेट किया है ताकि आप लोगों को यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री लगाने में आसानी रहे। मुझे बताइए अगर आपको कॉस चाहिए तो कॉस अल्फ़ा एक्चुअल में कितना होगा। कॉस अल्फ़ा एक्चुअल में जो होगा वो क्या होता है, कॉस जो होता है वो होता है आप लोगों का बेस बाई हाइपोटेन्यूस। ओके, अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे आपके पास नोटेशंस में क्या क्या लिखा हुआ है। ए बी जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है हमारे पास एल से, डायग्राम को नोटिस कीजिएगा आप लोग। बी ओ जो है हमारे पास रिप्रेजेंट हो रहा है आर से, और ए ओ जो हमारे पास रिप्रेजेंट हो रहा है वो हो रहा है एच से। तो अगर मैं बोलूँ कि अल्फ़ा के लिए बेस है आपके पास ये एच, इसको हाइपोटेन्यूस से कन्फ्यूज मत होइएगा आप लोग, और अल्फ़ा के लिए परपेंडिकुलर हमारे पास है आर और हाइपोटेन्यूस है हमारे पास ये एल। ओके, तो हम बोल सकते हैं कॉस अल्फ़ा, अगर मैं इसको बोलूँ ये बेस है और ये है आपके पास हाइट सॉरी हाइपोटेन्यूस, देन कॉस अल्फ़ा जो आपके पास अल्टीमेटली आएगा यहाँ से वो कितना आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा जो आपके पास आएगा वो आ जाएगा आप लोगों के पास एच अपॉन में एल। ओके, तो यही चीज़ आपको नोटिस करनी है कि जो चीज़ आपको निकालनी है ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स के अंदर, ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स के अंदर मान लीजिए आपको कॉस इन्वर्स चाहिए, तो आप लोग डायग्राम के हिसाब से देखिए कि आपके पास कॉस क्या आने वाला है। यही तरीका है इन सवालों को सॉल्व करने का, ठीक है। और मान लीजिए आपको अगर टैन इन्वर्स चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप देखिए कि आपको टैन अल्फ़ा कहाँ मिलने वाला है। टैन अल्फ़ा आपको मिलने वाला है कैसे, आर बाई एच करके मिलने वाला है। ओके, तो मैं इसको दोबारा से कराता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट पेज पर ताकि आप इसको आराम से रिजेंबल कर सकें एक बार, और आप लोगों के नोट्स भी ख़राब ना हो। ध्यान से देखिएगा मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर। तो लेट सपोज़ मैंने इस ट्राइंगल को दोबारा यहाँ पर ड्रॉ किया, ये आप लोगों के पास वही ट्राइंगल जो मैंने बनाया था पिछली बार, वो है आपके पास ये है आपके पास अल्फ़ा, इसको मैंने बोला था ए है आपके पास ये था आपके पास बी, ये था 90 डिग्री और ये था आपके पास ओ। और अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ओ बी आपके पास था आर, ये था आपके पास हाइट, हाइट का मतलब एच, और ये था आपके पास स्लांट हाइट यानी कि एल। ओके, नाउ आप लोग भूल जाइए कि आपके पास कोई और डायग्राम भी था यहाँ पे, आपको बस ये याद रखना है कि आपके पास एच की वैल्यू आई है एल बाई रूट थ्री, और अगर आपको आर चाहिए होगा तो आप लोग आर इजीली निकाल सकते हैं इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन से। ओके, नाउ देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे इन ट्राइंगल ए ओ बी, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो मेरे पास कॉस अल्फ़ा कितना आएगा, कॉस अल्फ़ा मेरे पास आएगा कितना, वो होता है मेरे पास बी बाई एच, बी बाई एच का मतलब हाइट अपॉन में एल। तो बोल सकता हूँ यहाँ पे कॉस अल्फ़ा जो मेरे पास आएगा वो आ जाएगा मेरे पास, हाइट मेरे पास कितनी आई थी, ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे हाइट आपके पास आई थी एल बाई रूट थ्री। ओके, सो एल बाई रूट थ्री का मतलब ये हो जाएगा आपके पास एल बाई रूट थ्री, और देखिएगा ये वाला एल तो आपके पास यहाँ पे लिखा जाएगा दोबारा एल, एल से एल यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। आप बोल सकते हैं कि कॉस अल्फ़ा जो आपके पास आएगा वो आ जाएगा 1/3, एंड हम क्या बोल सकते हैं अल्फ़ा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो अल्फ़ा इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास कॉस इनवर्स 1/3। ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को प्रूफ करना था सेमी वर्टिकल एंगल जो होगा वो बराबर होगा कॉस इनवर्स 1/3 के, और देखिए सेमी वर्टिकल एंगल आपके पास अल्फ़ा था वो आप लोगों ने प्रूफ कर लिया कि वो आपके पास बराबर है कॉस इनवर्स 1/3 के। ओके, ऑन द सेम ग्राउंड्स आप लोग क्या प्रूफ करने वाले हैं, आप प्रूफ करने वाले हैं आप लोग सेकेंड क्वेश्चन अपना। सेकेंड क्वेश्चन क्या था आपके पास, टैन इनवर्स रूट टू प्रूफ करना है आप लोगों को। ओके, ध्यान से देखिएगा फिर से, इन ट्राइंगल ए ओ बी अगेन, नाउ अगर मैं बोलूँ जो चीज़ आपको प्रूफ करनी है उसी के एंगल लेके चलिए आप लोग, ये शॉर्टकट है इस सवाल को करने का। ओके, सो आपको प्रूफ करना है टैन अल्फ़ा, तो आपने टैन अल्फ़ा लिया, यहाँ पर टैन अल्फ़ा क्या हो जाएगा, वो होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये है आपके पास आर और ये है आपके पास एच। बट ध्यान से देखिएगा आप लोगों ने एल तो सॉरी एच तो आप लोगों ने निकाला था पीछे, बट आप लोगों ने आर ही निकाला था बिकॉज रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी थी आप लोगों के पास। तो आपको वैसे पता है एक चीज़ कि फ्रॉम वन आप ये बोल सकते हैं कि आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्चुअल में एल स्क्वायर माइनस में एच स्क्वायर था, ठीक है। ध्यान से देखिएगा मैं कैसे करता हूँ इस सवाल को अब, सो ये हो जाएगा आपके पास आर स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर माइनस में एच की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, तो एच की वैल्यू आपके पास आई थी, अब मैं कह सकता हूँ ध्यान से देखिएगा एच की वैल्यू आपके पास आई थी एल बाई रूट थ्री।
ओके सो ये हो जाएगा आपके पास एल बाई रूट थ्री की होल स्क्वायर। ऑल राइट, और ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा इस चीज़ को, आपके पास क्या आंसर आएगा। सो ये आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू, आप कह सकते हैं इसको एल स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर बाई थ्री, एंड दिस इम्प्लाइज दैट आर स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आपके पास हो जाएगा, अगर मैं एलसीएम ले लूँ यहाँ पे, सो ये आपके पास हो जाएगा, आपको मेनली बस वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं करना। सो ये हो जाएगा थ्री एल स्क्वायर माइनस में टू एल स्क्वायर, विच विल गिव अस वॉट, थ्री एल स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर, यानी कि अल्टीमेटली आपको मिलेगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू टू एल स्क्वायर बाई थ्री। और हम ये बोल सकते हैं कि आर इक्वल्स टू आपके पास मिल जाएगा रूट टू बाई रूट थ्री इंटू में एल ओनली। ओके सो आपके पास एल भी आर भी है और आपके पास अब एच भी है, ध्यान से देखिएगा अब आपके पास क्या हो जाएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि टैन अल्फ़ा इक्वल्स टू आर बाई एच, आप सबकी वैल्यू इसको पुट कीजिए, लेट सपोज मैं आर की वैल्यू को पुट कर रहा हूँ ग्रीन कलर से, सो ये हो जाएगा रूट टू बाई रूट थ्री इंटू में एल, एंड देन डिवाइडेड बाई एच की वैल्यू आपके पास थी एल बाई रूट थ्री। ओके नाउ एल से एल यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, सिमिलरली रूट थ्री से रूट थ्री यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पे टेन अल्फ़ा इक्वल्स वॉट रूट टू, विच इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा टेन इनवर्स रूट टू। तो इस टाइप से अगर आप सवालों को करेंगे अपने, जो भी इनवर्स में आपको चीज़ निकालनी है, जैसे आपको अगर टेन इनवर्स निकालना है तो आप लोग प्लीज़ अल्फ़ा का टेन वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेके चलिए, आपके पास अपने आप अल्फ़ा इक्वल टू टेन इनवर्स प्रूव हो जाएगा। अगर आप लोगों को कॉस इनवर्स प्रूव करना है देन आप लोग अल्फ़ा के साथ कॉस फंक्शन को अप्लाई कीजिए, अपने आप लोगों का अल्फ़ा इक्वल टू कॉस इनवर्स प्रूव हो जाएगा। ओके सो ये चीज़ हमने लिख ली यहाँ पे, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, हम यहाँ तो बोल सकते हैं कि हेंस द सेमी वर्टिकल एंगल आप पूरी लैंग्वेज लिख सकते हैं यहाँ से, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन इज़ वॉट, कॉस इनवर्स वन बाई रूट थ्री, एंड सिमिलरली हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन इज वॉट, टैन इनवर्स वॉट रूट टू। अगर मान लीजिए आप लोगों को साइन इनवर्स में कोई चीज़ प्रूफ करनी हो तो आप क्या करते हैं, मान लीजिए आप लोगों को साइन इनवर्स प्रूफ करना हो तो आप लोग लिखते हैं यहाँ पे साइन अल्फा इक्वल्स टू, साइन क्या होता है, साइन आपका होता है पी बाई एच, तो ये हो जाएगा आपका आर बाई एल, आप क्या करेंगे यहाँ पे, अब आप लोग आर की वैल्यू को लगा दें यहाँ पे, तो साइन अल्फा इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा, आर की वैल्यू आपके पास आई थी रूट टू बाई रूट थ्री, और यहाँ पे था आप लोगों का एल, एंड देन डिवाइड में भी आपके पास एल था, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप बोल सकते हैं अल्फा इक्वल्स टू आपका हो जाएगा साइन इनवर्स रूट टू बाई रूट थ्री। तो देखिए मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप लोगों को करा दिया इसी सवाल के अंदर, तो जब कभी भी आपके पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सवाल आएगा और उसमें आपसे बोला जाएगा कि अल्फा सेमी वर्टिकल एंगल का आंसर निकालिए, तो आप लोग प्लीज़ इसी अप्रोच से उसके आंसर्स को निकालिएगा। शुरुआत में आप लोग किसी भी एक पैरामीटर का आंसर निकाल लीजिएगा गिवन पैरामीटर्स के टर्म में, देन आप लोग सारे के सारे पैरामीटर्स का आंसर निकाल सकते हैं, बट उसको आप लोग पहले मत निकालिएगा। हो सकता है कि आपके पास, देखिए अगर मैं आर को पहले निकाल लेता यहाँ पे, तो मेरे पास आर की रिक्वायरमेंट यहाँ पे थी नहीं, जब आर की रिक्वायरमेंट पड़ी मेरे पास तब मैंने आर को यहाँ पे सॉल्व किया। ओके सो ध्यान से इस क्वेश्चन को आप कम से कम दो बार देखिए, तभी आप लोगों की प्रैक्टिस होगी इस सवाल के अंदर। ये था इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, इसको प्लीज़ आप लोग एक बार ध्यान से एनालाइज कर लीजिएगा। ओके